हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के साथ लाई हूँ मैं बहुत बेस्ट, गर्मियों में जो हमारी स्किन को टाइट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और ग्लोइंग रखेगा। गर्मी तो आप लोग को पता है कि कितनी ज़्यादा पड़ रही, जैसे हमारी स्किन ही जल जाएगी और गर्मी की वजह से धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो आज उन्हीं सारी समस्याओं को कैसे दूर करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड टोनर, जो कि जितना बनाना इजी है तो उतना लगाना भी इजी है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया और इसे मैंने कैसे बनाया है और कैसे इसे अप्लाई करना है और कैसे हमें इसे कितने दिन रखना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसे, इसमें मैंने कौन सी चीज़ें ऐड की है। और उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों से बनाने वाली हूँ टोनर, जो कि ये आपकी स्किन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। जो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना, इस बार हमारी स्किन को पूरी तरह जला दे रहा है। एकदम धूल मिट्टी की वजह से हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जा रही है, रूखापन आ जा रहा है। तो मैंने आप लोग को इसमें एक बार बना के दिखाया था, तो आज मैं आप लोग को स्प्रे बॉटल में कैसे बनाना है वो भी आप लोग के साथ बताऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे सामग्री रेडी हो चुकी है और इसे आपको मार्केट से ला के अच्छे से धो के इसे ड्राई कर लेना है। अब इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ें ऐड करने वाली वो है कोकोनट ऑयल। आप लोग सोच रहे होंगे गर्मियों में मैं कोकोनट ऑयल स्किन पे कैसे लगा रही हूँ, तो इसे हमें लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के सिर्फ लिया है कोकोनट ऑयल। इसमें देखिए माप की जो है ना, चम्मच के हिसाब से आपको अच्छे से करना है, जिससे आपका टोनर एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के लेने वाली हूँ ग्रीसनिर। ग्रीसनिर हमारी स्किन को इतना अच्छा ग्लो बनाता है ना, इतना अच्छा फ़ायदेमंद है ना ग्रीसनिर। आप इसे गर्मी हो, सर्दी हो, कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, पर डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं करना है, किसी न किसी पैक टोनर में यूज़ करना है। और जो तीसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है फिटकरी पाउडर। फिटकरी पाउडर बहुत बहुत ज़्यादा हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं चम्मच से तो नहीं डाल पा रही, तो मैं जो पीछे का चम्मच का रहता है ना भाग, उससे इस तरीके से कम आधा चम्मच फिटकरी पाउडर आपको लेना है। ये देखिए आधा लीटर वाला जो बॉटल होता है ना, वो है ये। तो उसमें मैंने आधा चम्मच में पूरा भर के टोनर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए माप का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आधा चम्मच आपको फिटकरी पाउडर लेना है। अगर आप फिटकरी पाउडर यूज़ करते हो ना डेली अपने फेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको फेस पे। तो आप डायरेक्टली फिटकरी पाउडर यूज़ कर, बहुत लोग करते हैं, पर मैं आप लोग को पाउडर के साथ साथ इसे बना के टोनर भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच फिटकरी पाउडर ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो एलोवेरा जेल है। आपको जो एलोवेरा जेल सूट करता है ना, आप वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, पर हाँ मार्केट वाला इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें लंबे समय तक इस टोनर को रखना है इसलिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल भी बड़े चम्मच से नहीं जाने वाला, तो जैसे मैंने फिटकरी ऐड किया है वैसे ही मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको लेना है 2 से 2.5 चम्मच। हाँ, एलोवेरा जेल आपको 2 से 2.5 चम्मच लेना है। एलोवेरा जेल के फ़ायदे सभी को पता है, और फिटकरी का मैं एक बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चेहरे पे इचिक होके और छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, उससे बाद पिंपल्स होने लगते हैं। जब से मैंने इस टोनर को इस्तेमाल किया है, मेरी इचिक जो है वो भी बंद हो चुकी है और मेरी स्किन पे अलग सा ग्लो। मैं अपने फेस पे कोई भी क्रीम, केमिकल की चीज़ या कोई भी चीज़ मैं नहीं यूज़ कर रही। इस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, मैं होममेड चीज़ें ही इस बार अपने फेस पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप लोग को पता है मेरी मेरे घर का अभी फ़िलहाल ही शिफ्टिंग हुआ है, तो यहाँ का जो वातावरण है उसकी वजह से मुझे फिटकरी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि यहाँ का जो धूल मिट्टी है वो अलग है। बहुत लोगों को हर जगह की
हवा पानी सूट नहीं करता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, आप गांव जाते हो या फिर जब भी आप कहीं और जाते हो तो इस टोनर को ज़रूर आप बनाइए और यूज़ कीजिए। आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलने वाला है ना, मेरी गारंटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हूँ। अब सबसे लास्ट में ऐड करने वाली हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर तो आप मैंने देखे सारी चीज़ें 2 चम्मच 1 चम्मच आधा चम्मच लिया है और मैं अब रोज़ वाटर पूरा भर के लेने वाली हूँ। जितना बचा है सारा मैं रोज़ वाटर ऐड करूँगी। तो ये बनके हमारा टोनर रेडी हो जाएगा। इसमें कोई पानी नहीं डालना है, सिर्फ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप गर्मियों में इस्तेमाल करते हो ना, आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग रहेगी, एकदम कोई भी समस्या नहीं होगी। इस टोनर को ज़रूर बनाइए और ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, क्या रिज़ल्ट आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसे बना के महीने तक भी रख सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप इसे अपने पर्स में ज़रूर बना के रखिए। और जब भी आप अपने फेस को क्लीन करना चाहते हो तो आप इसे क्या कीजिए, अपने फेस को पानी से धो के इस टोनर को अपने फेस पे अप्लाई करके सिर्फ हल्का सा मसाज करना। मैं आपको वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। पर हाँ, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, इस टोनर को ज़रूर बनाइए और ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और चेहरे की जो समस्या है ना, जो गर्मियों में हमारी स्किन एकदम इचिक होने लगती है, ग्लोइंग नहीं होती, मुरझाई रहती है, धूप की वजह से जल जाती है, वो सारी चीज़ों को ये काम करेगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छा। तो देखिए टोनर बन के हो चुका है। तो चलिए इसे लगाना कैसे वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जब भी आप लगाएं तो इस तरीके से आपको बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद आग बंद करके अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद आपको हाथों से इसे हल्के हल्के से मसाज करना है और इसे छोड़ देना है। आप इस तरीके से आप दिन में 2 बार 3 बार जैसे आपको टाइम मिले आप अपने फेस को वॉश करते तो ये ज़रूर कीजिए और सारी समस्याओं से दूर हो जाइए। स्किन की जितनी समस्या है वो हो जाएगी आपकी दूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।